क्या कर रही हो तुम? हाँ, बैग मुझे दे। कहो ना, बैग मुझे दे। आज के बाद हमेशा इसे अपने पास रखना, अब तू बची नहीं रही, समझी? ठीक है माँ, अब चलती हूँ। अभी भी वक्त है, सोच लो लड़ाई करनी है या नहीं। लड़ाई ना करनी पड़े इसीलिए तो ये रास्ता निकाला। बिल्कुल सही कहा बॉस, हमारी इज्जत इज्जत है, कोई पापड़ नहीं है। तेंदुलकर नाम है मेरा। मरने के बाद इज्जत का क्या करेगा? ये स्लीव ऊंची करने से कुछ नहीं होगा, इतने सारे लोग हैं, शर्ट उतार के मारो इनको। क्या हुआ? इसको भी ले ले अपनी टीम में। मेरी टीम में यहाँ कोई जगह खाली नहीं है, कहीं और मुंह मारो। अरे रुको रुको रुको, क्या है बॉस का शर्ट फाड़ो क्या? चुप बैठना भाई, ये लोग हमारी तरह शरीफ नहीं है, शक्ल से गुंडे मवाली लगते हैं, निकल लेते हैं। लड़की को क्यों रखा टीम में? मेरी मर्जी, मेरी टीम है। तेरी मर्जी, दोबारा वो लड़की दिखी ना तो तुम में से कोई नहीं खेलेगा। कौन होता ये कहने वाला? उसके माँ बाप है ना, और हम भी संभाल लेंगे। साइकिल की खूब सवारी कराते हो जानता हूँ मैं। कौशल्या, तेरी इतनी हिम्मत, तुझे मना किया था ना मैंने, फिर भी नहीं मानी तू, और यहाँ लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने आ गई। घर चल, दिखाती हूँ तुझे मैं, लड़कों के साथ क्रिकेट खेलेगी। मैंने तुझे मना किया था ना, उसके बाद भी बहुत भी नहीं मानी। अरे मानी। चाची क्यों मार रही हो बहन को? बहन बोलता है, अगर तेरी सगी बहन होती तू भी यहाँ लड़कों के साथ इसे क्रिकेट खेलने देता? मैं भी तो हूँ ना यहाँ इसके साथ, फालतू में गुस्सा। निकल लेते, चाहती कि ये क्रिकेट खेले, इसलिए तू लगता है मार ही डालेगी। उसकी माँ ने उसे बहुत मारा और वहाँ से ले गई, पर उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद तक नहीं गिरी। और मैंने देखा उसने बॉल को कस के पकड़ा हुआ था। मैं समझ गया कि ये क्रिकेट उसके लिए खेल नहीं है सर, उससे बढ़ के बहुत कुछ है। उसी दिन मैंने ठान लिया कि कौशी अगर क्रिकेट छोड़ भी दे, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम जितना चाहो मुझे मारो, पर मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगी। तू इस घर से बाहर जाके दिखा, तब पता चलेगा तुझे। अगर बाबा ने बोला तो सुनूंगी, तुम्हारी बिल्कुल नहीं। आने दे तेरे बाबा को, ये तमाशा ही खत्म करवा दूंगी। अगर मेरा कोई छोटा या बड़ा भाई होता तो उसके साथ खेलती ना मैं। मेरा तो वो भी नहीं है ना, इसीलिए मैं उन सबको भाई समझकर खेलती हूँ। तुम माँ हो या जल्लाद, मेरे सपनों को पूरा नहीं होने देती। अच्छा होता तो मेरी माँ ही ना होती। बाबा देखो ना माँ को। बस बहुत जबान चलने लगी तेरी। अगर बड़ों से तमीज से बात करना नहीं आता तुम्हें तो चली जाओ यहाँ से। उस दिन पहली बार मुझे बुरा लगा कि कौशिक क्रिकेट नहीं खेल पाएगी। कौशल्या, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कावेरी मैनेजमेंट अथॉरिटी को गठित करने का आदेश दिया है। इससे हमारे शहर को अपने हिस्से का पानी मिलेगा और किसानों को राहत। आप क्या बोलते हो, पड़ोसी सरकार पानी देने के लिए मान गई है? अब तुम ये सब छोड़ो, घर जाओ और बेटी के लिए कुछ स्वादिष्ट बनाओ। ये लो ये। अच्छा तुम भी लाई हो। एक काम करो, कौशी के लिए तल के रख दो तो खुश हो जाएगी। वो उस दिन से मुझसे बात नहीं कर रही है, ना बात कर रही है ना खाना खा रही है, बहुत जिद्दी है वो। कौशी। बाबा, माँ को मेरा क्रिकेट खेलना पसंद नहीं या मेरा लड़कों के साथ खेलना, पूछ कर बताइए। बड़े भैया, वैसे तो हमारे गांव में बच्चों को क्रिकेट सिखाने की कोई एकेडमी नहीं है, इसके लिए तो शहर जाना ही होगा, और वहाँ भी लड़कों के साथ ही खेलना पड़ेगा, और फिर खर्चा भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। सुनिए, जब वो छठी कक्षा में थी तो कौशी एक बार मुझसे मिलने आई थी। कह रही थी कि जब इंडिया हारा था तो मेरे बाबा बहुत रोए थे, और बड़े हौसले से बोली कि क्रिकेट खेलकर वो आपको खुश करना चाहती है। मुझे लगा था आपके साथ क्रिकेट देखते देखते उसे ये खेल बस यूं ही पसंद आ गया होगा, पर आप 6 साल बाद क्रिकेट एकेडमी के बारे में पूछने आए तो लग रहा है कि वो सचमुच क्रिकेट खेलना चाहती थी। गुड मॉर्निंग बॉस, सुबह सुबह क्या कर रहे हैं? मैं कौशी के लिए स्टेट टीम में अप्लाई कर रहा हूँ। अरे बॉस, ये फॉर्म वॉर्म भरना छोड़ो और उसे जाकर अपने दिल की बात बताओ। बताऊंगा बताऊंगा, पहले शादी के कार्ड तो छपने दे, फिर उसे अपने घर ले आऊंगा।
उसकी माँ ने तो उसका गांव में क्रिकेट खेलना बंद करवा दिया है, तो स्टेट लेवल पे कैसे खेलेगी? उसको मुसीबत में भी आप ही डालेंगे और बचाएंगे भी आप ही, है ना? मैंने ही शुरू किया था, मैं ही खत्म करूंगा। लोकल टूर्नामेंट के लिए उसके पापा को मनाना पड़ेगा। पिटने वाले हो भाई। लोग कौशिक के पापा आ गए। अरे पीटर जाके बात कर। सुन, तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे मुझे लॉटरी लगने वाली है। उसके बाप को देखा है ना, 20 साल बाद का सलमान है। एक हाथ भी पड़ गया ना, नदिया के उस पार जाके गिरूंगा। सत्या, कौशिक तेरी बहन है ना, तू ही शुरू कर। अरे जाना सत्या, जा जा। कम ऑन सत्या, कम ऑन, कैन डू इट। आज बली का बकरा तू है। बोलना क्या सत्या, कैसे हो? मैं ठीक हूँ चाचा जी। तुम्हारे पिताजी का फोन आता है या नहीं? हाँ बिल्कुल आता है चाचा जी। अच्छा अच्छा, ए बोलना, बोल। चाचा जी, हम ना एक टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं। हाँ जानता हूँ, बहुत सारे पोस्टर देखे मैंने। खेलो खेलो, अच्छी तरह से खेलो, और याद रखना कप हमारा ही होना चाहिए। चाचा जी, वो तो जीत ही लेंगे, पर हम आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। ओए, मेरे से बात इसलिए भाई? आप तो जानते ही हैं कि कौशिक कई सालों से हमारी टीम में खेल रही है, और इस टूर्नामेंट में खेलने का उसका बहुत मन है चाचा जी। कौशिक एक लड़की है, आप इसलिए डर रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अंकल, मैं इनकी तरह क्रिकेट तो नहीं खेलता, पर मैंने कौशिक को क्रिकेट खेलते देखा है, उसका लेवल ही अलग है। उसको देखने के बाद मुझे क्रिकेट से प्यार हो गया। कौशिक तो खेलेगी, पहले स्टेट के लिए, फिर इंडिया के लिए। रुको रुको, इसी बात का तो डर है मुझे यार। वैसे तो मुझे उसके क्रिकेट खेलने से कोई आपत्ति नहीं है। देख, उसकी छोटी छोटी मांगे तो मैं पूरी कर सकता हूँ। तुम लोगों की सहायता से अगर वो कामयाब हुई और बड़े बड़े सपने देखने लगी, तो उन सपनों को पूरा करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं ये बात कोई और कहता तो हम समझ सकते थे, मगर आप ऐसी बात करेंगे तो ठीक है, ले जाओ इसे अपने साथ खेल। धन्यवाद चाचा जी। पर चाचा जी, चाची को कैसे? हाँ वो चाची तो हानिकारक है ही, पर मैं संभालूंगा उसे। क्या बात है, आजकल ससुर जी की बड़ी याद आती है आपको? मैं भी तो एक बेटी का बाप हूँ ना, किसी दिन वो भी मेरे दुख सुख में काम आएगी। अच्छा सुनो, तुम एक हफ्ते के लिए यहीं रुक जाना, अपने पिताजी की देखभाल करना, मैं अगले हफ्ते तुम्हें लेने आ जाऊंगा। गौतमपुर के प्यारे निवासियों, इस 3 दिन के टूर्नामेंट के प्रायोजक हैं मशहूर मुरली ट्रेवल्स के मुरली पांडे। मैं तेंदुलकर और ये सचिन आपका स्वागत करते हैं। हाँ बोलो ना भाई। इस टूर्नामेंट के सबसे अच्छे ऑफ स्पिनर को मुरली पांडे जी देंगे एक खास इनाम। ये अपनी जुबान से अपनी तारीफ नहीं करते, इसलिए मुझसे करवा रहे हैं। सही बोला ना भाई? ये पकड़। धन्यवाद। बैठिए बैठिए, तू भी ले। कौशिक कुछ भी करे, तालियां मारते रहना। ये लो पैसा बॉस। आइए आइए। इन लोगों से ताली बजेगी क्या? ये लो। इन लोगों ने जोर से ताली बजाई तो यही दम तोड़ देंगे, फिर इसका खर्चा कौन देगा? अच्छा देखना है तेरे को। कौशिक आर्मी, जोर से बजाओ, आग लगा देंगे। क्या हुआ भाई? भाई मैच शुरू नहीं हुआ। कहाँ जा रहा है? ज्यादा पैसे चाहिए तो लेना। ए, तुझे क्या मैं बिकाऊ देखता हूँ? क्या बात कर रहा है? तालियां लूटना इतना आसान नहीं है। तालियां सुनने के लिए लोग तरस जाते हैं, लोगों की जिंदगी बदल जाती है। तालियों को खरीदा नहीं जा सकता और ना ही तालियां बिकती है। तालियों के हकदार बनो, तभी तालियां बजेंगी। भाषण देने का इतना शौक है ना, तो जा इलेक्शन में। गौतमपुर के नामी शख्स राजेश भैया आ चुके हैं, बहुत जल्द वो स्टेज पर हमारे साथ होंगे। नमस्कार। नमस्ते। धन्यवाद। तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मंजुनाथ कहाँ रह गया? मंजुनाथ वो नहीं आया? अरे कमाल करता है ये आदमी, उसकी बेटी अभी खेलने वाली है। राजेश भैया की दुकान पर जाइए। ये बहुत रायता फैला रहा है, 5 पैसे नहीं दूंगा। राजेश भैया ने 5 लाख देने का वादा किया है। अरे कहाँ थे तुम? कृषि विभाग के अफसर को मिलने गए थे? अरे वो जांच करने आ रहा है या नहीं? क्या बताऊं यार, रोज रोज टाल ही रहा है वो। जब तुम मैच देखने नहीं आए तो मुझे लगा था कि तुम कृषि अफसर को देखने गए होगे। क्या बढ़िया बॉलिंग करती है तुम्हारी बेटी। गौतमपुर की शेरनी, 11 ईगल्स टीम की स्टार प्लेयर, अपना पहला बॉल फेंकने के लिए तैयार है। वो आ रही है और ये फेंका। बैट्समैन से बहुत, पहली बॉल पर वाइड था लेकिन ये क्या होगा, बैट्समैन ने बहुत ही जोर से बल्ला घुमाया और ये बॉल बाउंड्री के पार जा रही है। 6 रन, बहुत ही उम्दा शॉट। अब कौशिक क्या करेगी? लेकिन उसके बाद की बॉलिंग देखने लायक थी। मैं तेंदुलकर और ये सचिन आपका स्वागत करते हैं। कमॉन कौशिक, कमॉन कमॉन कौशिक।
जोश में अगला बॉल फेंकने के लिए गौतमपुर की शेरनी आ रही है। बैठिए राजेश भाई, अब देखिएगा। चुप कर। एक और बढ़िया बॉल, और बैट्समैन तो ऐसे गिर रहे हैं जैसे पत्ते हो। आगे देखते हैं। बैट्समैन क्रीज से बाहर और ये स्टंपिंग, क्या बात है। हमारे दिलों के साथ साथ कौशी ने ये मैच ही जीत लिया है। उसने साबित कर दिया कि वो मंजुनाथ की बेटी है। तुम उसकी प्रशंसा कर रहे हो, ये बड़ी बात। मजा आ गया। अब इस क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा राउंड खेला जाएगा, जिसके प्रायोजक है मुरली पांडे। जल्दबाजी मत करना। अच्छा एक बात बता, तू इसी की बॉलिंग पे आउट हो गया था क्या? हाँ यार। बड़ा तन के बोल रहा है। अरे भाई जो मैंने कल देखा, अगर तूने देखा होता ना तो ऐसी बात नहीं बोलता। क्या बोल रहा है यार? अच्छा अब ये लड़की इस टीम के साथ कितने सालों से खेल रही, किसी ने तो इसे पटाने की कोशिश की होगी। हाँ यार 100% की होगी। तुम्हारे घर की बेटी होती तो ऐसी बात करते क्या? अरे मैं अपने घर की लड़की को मैच खेलने ग्राउंड पे क्यों भेजता? ओ बुढ़ाओ, इसके बाप को अकल नहीं है क्या जो इस उम्र में खेलने को भेज दिया? चल लौट यहाँ से। बात करने लायक ही नहीं, जाने दो। क्या बात कर रहे हो? ऐसी गंदी गंदी बात कर रहे थे वो लोग। देखो तुम बार बार कहानी के बीच में आकर टपक पड़ते हो। 6 के बाद लड़की पुलिस स्टेशन में नहीं रुक सकती, पर ये तो आदमी है ना। अभी कायदा कानून छोड़ो और जाओ हमारे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। तुम साहब, उस लड़की का बाप आया है। हाँ उनके लिए भी ले लेना। तुम बोलो। अरे मंजुनाथ आया है। का? मंजुनाथ आया है। हे कुर्सी लेकर आ। कैसे साहब, आइए बैठिए 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 बैठिए। क्या बात है सर? अब क्या बताएं, बात क्या है, पूरा गांव कह रहा है कि आपकी बेटी की वजह से ये सब तमाशा हुआ है।